आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन और फ्रीली फॉलिंग बॉडी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में ही है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू हैव डन ऑल द थिंग्स इन चैप्टर वन। तो उसी को थोड़ा सा अलग हटके हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है क्लास 9 के लिए फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। वैसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के कारण गिर रहा है अर्थ की ओर, उसके लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे और उसको हम लोग अप्लाई भी करेंगे चिल्ड्रन। तो अब देखिए वो है कौन कौन सा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने v इज इक्वल टू यू प्लस एट, ठीक है, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सिलरेशन, एंटी टाइम था। अब हम लोग उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, प्लस माइनस जी टी। क्यों? क्योंकि g का वैल्यू जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो उस समय g का वैल्यू हम लोग माइनस मिलेंगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तब g का वैल्यू हम लोग प्लस मिलेंगे, क्योंकि ऊपर जाते समय अर्थ उसको नीचे खींचती है और ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स के अगेंस्ट होता है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज करेगा इसलिए हम लोग यहाँ जी का वैल्यू माइनस मिलेंगे कर जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाए और वो लौटने लगे तब उसका एक्सीलरेशन तो सेम रहेगा बट वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते समय उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। दूसरा देखिए है इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ग्रेविटेशन चैप्टर में इसी को हम लोग पढ़ते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम चीज, ऊपर जाते समय जी का वैल्यू माइनस मिलेंगे और जब ऑब्जेक्ट नीचे आने लगेगा उस समय जी का वैल्यू प्लस मिल लीजिएगा। फॉर्मूला में प्लस माइनस देने का वही मतलब है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और हम लोग ग्रेविटेशन में देखेंगे इसको लाइक दिस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच। तो यहाँ इस तरह से ये तीनों हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। बच्चों इस इक्वेशन ऑफ मोशन पर बहुत तरह का न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं, है भी, और जितना आप एनसीईआरटी में है, सैट बुक में है, कर लीजिए, दैट विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। और भी ज्यादा बनाने का मन है तो दूसरे बुक से भी बना सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो करना है आपको, तभी पढ़ाई का मतलब है, नहीं तो संभव पास करना बहुत बड़ी बात है नहीं। तो इस तरह से ये तीनों हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इस केस में भी इस इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज करने में, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो कहीं से मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ है, इतना वेलोसिटी से नीचे गिराया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तब वो रेस्ट से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे। ओके, जब मैक्सिमम हाइट पर चला जाए ऑब्जेक्ट तो फाइनल वेलोसिटी जीरो लेंगे। तीसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट पर जाने में वो उतना ही टाइम लेगा जितना कि ऊपर से नीचे आने में। तो नीचे से ऊपर जाने के टाइम को कहिएगा टाइम ऑफ एसेंट और ऊपर से नीचे आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड लेता है मैक्सिमम हाइट तक जाने और लौटने में, जाने और लौटने में 10 सेकेंड लेता है तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया 5 और टाइम ऑफ डिसेंट हो गया 5, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। ठीक, अब हम लोग कुछ इक्वेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग इन सारे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड है जिसको हम लोग कर लेते हैं। फिर से बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देने के लिए। तो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल हम लोग 4-5 एटलीस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, फिर नेक्स्ट डे बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और कुछ टॉपिक भी बचा हुआ है, कुछ क्या एक दो एक टॉपिक बचा हुआ है उसको भी हम लोग करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर
टचिंग द ग्राउंड, एक स्टोन को ऊपर से नीचे गिराया गया, तो इट मींस उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ हम लोग जीरो लेंगे, हाइट कितना है 19.6 मीटर और वैल्यू ऑफ जी हम लोग को तो पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, अब क्या निकालना है, ऊपर से नीचे गिरा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसका वेलोसिटी फाइंड करना है, क्योंकि जब ग्राउंड पर आ जाएगा तब तो फिर जीरो हो जाएगा, तो हमें निकालना है v का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो आई थिंक यो h और g दिया हुआ है, हमें v निकालना है, कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे याद पता जरूर पता चल गया होगा आपको हमसे पहले, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो v का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, u जीरो हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, तो v आपका हो जाएगा इधर स्क्वायर रूट कर देते हैं 19.9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.6 इंटू 19.6 स्क्वायर रूट हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपलेस्ट वन था इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, अब फर्स्ट क्वेश्चन में था ऊपर से नीचे गिराया गया, अब स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, तो क्या दिया हुआ आपका u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट, मैक्सिमम हाइट पर जाके इसका वेलोसिटी जीरो हो गया और g का वैल्यू लेना है गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो निकालना क्या है आपको एच का वैल्यू मैक्सिमम हाइट निकालना है। ओके अब इससे हमको वी यू जी एच दिया हुआ है, उसी तरह से हम लोग इसमें एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन फॉर्मूला लगाइएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, अब लगाएंगे क्योंकि ऊपर फेंका गया है तो वी स्क्वायर, ये तो वी स्क्वायर तो जीरो हो गया, यू स्क्वायर हो गया 40 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो अब हो गया आपका 20h इज इक्वल टू 40 इंटू 40, तो h इज इक्वल टू हो गया 40 इंटू 40 बाय 20, जीरो जीरो कट गया 2 हो गया, यहाँ 80 मीटर हो गया मैक्सिमम हाइट, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक गया वो ऑब्जेक्ट 80 मीटर तक। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड व्हाट इज द नेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने का आता है, तो नेट डिस्टेंस कितना, ऊपर गया तो ऊपर नहीं रह जाएगा फिर वो नीचे आएगा, तो 80 + 80 = 160 मीटर हो गया नेट डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जहां से फेंका गया था वहीं वो लौट के चला आया तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, चिलन आई थिंक जरूर आप समझ गए होंगे, बस इसी तरह का एक दो और कर लेते हैं फिर हम लोग एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करेंगे, कुछ आधा आधा बाद में करेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्या है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड, गया और लौट आया, जाने और आने में कितना लगा 6 सेकंड, इट मीन्स मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको 3 सेकंड लगा और फिर ऊपर से नीचे आने में भी 3 सेकंड लगा, निकालना क्या है आपको द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज एंड इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो गिवन क्या क्या चीज है आपका, रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू हो गया 3 सेकेंड, उसके बाद g का वैल्यू ले लीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u ले लेते हैं, ये तो निकालना ही है आपको, भी ले लीजिएगा जीरो क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन, तो आप निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से वी इज इक्वल टू
यू माइनस जी टी से टी वेलोसिटी निकल जाएगा। यू है ये वी वी इक्वल टू हाँ ठीक तो है, तो वी जीरो यू निकालना ही है आपको माइनस 9.8 इंटू टाइम हो गया 3 सेकेंड, तो यू का वैल्यू हो गया 9.8 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 29.4 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कि यू को इतने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर टू है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, मैक्सिमम हाइट वो गया कितना गया वो आपको निकालना है, तो बी क्वेश्चन नंबर बी अब हम लोग देखते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा देते हैं, तो v का वैल्यू तो जीरो है ही, u का वैल्यू 29.4 इंटू 29.4 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h, तो h का वैल्यू हमारा हो गया 29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, एक डेसिमल को वो सॉरी ये तो ठीक है, अब क्या करते हैं डेसिमल को हटा देते हैं, उसके बाद कितना से थ्री टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप यहां भी इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, फोर्टीन पॉइंट सेवन, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14.7 इंटू 3 कर देते हैं तो वो हाइट निकल जाएगा, फोर्टी फोर पॉइंट वन मीटर हो गया। अब क्या कहता है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, अब ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, 3 सेकेंड तो उसको मैक्सिमम हाइट जाने में लगा 3 सेकेंड, फिर वो लौटेगा तो 3 सेकेंड जाने में ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आएगा तो 1 सेकेंड के बाद कहता है कि उसका पोजीशन क्या होगा, मान लीजिए नीचे से उसका पोजीशन पूछे या ऊपर से पूछे, तो हम क्या कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर सी में बच्चों अब यहां मैं इसी जगह सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन सी को, यहां अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी पार्ट सी हो गया, तो ये फिर क्या कीजिएगा, निकालना होगा आपको h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो अब क्या करते हैं u जब मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे गिरना शुरू होगा तो u का वैल्यू जीरो ले लीजिएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, आपका बच गया हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 क्यों लीजिएगा क्योंकि 4 सेकेंड के बाद कहता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, तो 3 सेकेंड तो लगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, अब ऊपर से नीचे आने में 1 सेकेंड के बाद कितना उसका होगा डिस्टेंस वो हम निकाल रहे हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं लोग, तो हो जाएगा ये 4.9, तो ये 4.9 मीटर पर रहेगा ऊपर से 4.9 मीटर, और टोटल हाइट आपने कितना निकाला है 44.1 मीटर, अब क्या करते हैं 44.1 मीटर में 4.9 मीटर को डिडक्ट कर दिए घटा दिए, और तब हमको मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड के बाद कहाँ है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व किया, तो चिल्ड्रन इस तरह का ही क्वेश्चन और भी एक दो आप सॉल्व कर सकते हो, एक और देखते हैं हम, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
A ball is thrown vertically upward with velocity 49 meter per second. Calculate the maximum height it reaches and the total time it takes to return. क्या कहता है 49 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर की ओर फेंका गया. अब कहता है मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, जहां उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट वो हुआ. इसके बाद टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न, गया और लौट के आया तो जाने और आने में उसे कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है. तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दिया हुआ है क्या क्या आपको, यू दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड, V दिया हुआ है जीरो, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो H का वैल्यू निकालना है. तो H का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लगा लेते हैं फॉर्मूला, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. तो जीरो इज इक्वल टू 49 इंटू 49 माइनस टू इंटू 9.8 या 10 हम लोगों ने लिया है, 10 इंटू एच. तो एच हो गया आपका 49 इंटू 49 बाय 10. तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हो गया आपका 4851 डिवाइड बाय 10. तो इतना मीटर तक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक गया. अब देखिए टोटल टाइम इट टेक्स. अब टोटल टाइम निकालने के लिए हम ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट. तो उसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, v इज इक्वल टू u माइनस gt निकाल लेते हैं. ऊपर जाने का टाइम निकल जाएगा तो उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऊपर जाने में मान लीजिए 5 सेकंड लगा, नीचे आने में भी 5 सेकंड लगेगा, तो टोटल टाइम हो गया 10 सेकंड. सो हम लोग निकाल लेंगे, 0 इज इक्वल टू 49 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर नहीं, तो 10t इज इक्वल टू 49. सो टी इज इक्वल टू 49 बाय 10 करते हैं तो आपको आ गया 4.9 सेकंड. और फिर लौटने में भी उतना ही लगेगा, तो हो गया आपका कितना 9.8 सेकेंड लग गया जाने और आने में. इस तरह से चिल्ड्रन हम लोगों ने इतना क्वेश्चन किया. क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चन कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स नाइसली. और हम लोग फिर से इसी वीडियो में एक दो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद अगले चलिए कुछ हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हाउ डज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. तो मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये एक हो गया. अब कहता है कि when distance between them is reduced to half, यानी कि दूसरा फोर्स जो है ये F1 हो गया, जब R आधा हो गया, मतलब ये R जो है अब आधा हो गया, तो G M1 M2 तो सेम है, R का वैल्यू R by 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया आपको 4 G M1 M2 by आर स्क्वायर. और ये जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, प्रीवियस फोर्स के बराबर. जब दोनों के बीच का डिस्टेंस आर था तब था, तो अब जब दोनों के बीच का डिस्टेंस आधा हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इंक्रीजेज बिकम्स 4 times दैट ऑफ द प्रीवियस वन, पहले वाले का 4 गुना हो जाता है, क्योंकि आर अब यहाँ जो आर है इस आर का आधा है, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 ऊपर चला गया और इस तरह से आपका हो गया. दूसरा देखिए है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज. व्हाई देन हेवी ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन लाइटर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल होगा, डू नॉट फॉल फास्टर देन द लाइटर वन, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है,
इसलिए हेवियर एंड लाइटर बोथ विल रीच द सर्फिस ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम। लेकिन क्या होता है अगर एयर के अपथ्रस्ट के कारण हो सकता है कि लाइटर ऑब्जेक्ट थोड़ा देर से गिरे, लेकिन जी का वैल्यू सबके लिए सेम होता है। थर्ड वन, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स दैट इज ग्रेटर और सेम एज दैट द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स एंड व्हाई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू एफ का वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो अगर तो ये फोर्स किसके, अर्थ के कारण मून पर, मून के कारण अर्थ पर, दोनों के लिए फोर्स का वैल्यू सेम हो गया, इसलिए क्या लिखिएगा, यस अर्थ एंड मून अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स बिकॉज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज दिस वन इन विच मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व। उसके बाद क्या कहता है, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ Why does Earth do not move towards the Moon? तो Earth और Moon एक दूसरे को attract तो करता है, तो कहता क्या है कि तो Moon Earth की ओर क्यों नहीं move कर जाता है, Earth Moon की ओर क्यों नहीं चला जाता है? तो ये देखिए, मान लेते हैं acceleration due to gravity for Earth निकालिएगा, तो ये हो गया GME by आर स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं निकालिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ जी इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर। सॉरी बच्चों, एक्सेलरेशन का वैल्यू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अर्थ में एक्सेलरेशन हो गया एम ए, जी का वैल्यू एफ बाय अर्थ का मास, और मून में एक्सीलरेशन जी एम इज इक्वल टू एफ बाय मास ऑफ मून। तो अब देखिए एफ का वैल्यू तो सेम है, अर्थ का मास मून के मास से बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ ये दो एफ सेम है, एम ई इज ग्रेटर देन एम एम, यानी कि अर्थ का मास मून के मास से ज्यादा है, सो एक्सेलरेशन इन अर्थ विल बी लेस देन एक्सेलरेशन इन मून। तो अर्थ में प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इतना कम होता है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा होता है, इतना कम होता है कि अर्थ मून की ओर मूव नहीं कर पाता है। तो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज का इतना क्वेश्चन है हो गया, और हम लोग थोड़ा सा मास एंड वेट बचा हुआ है उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक खुद से कीजिए, चलिए ये यू कैन अंडरस्टैंड माई हार्ड वर्क बोर्ड पर लिखना, फिर सारा एक्सप्लेन करना फॉर यू आई एम डूइंग, तो ये समझ भी कौन सकता है और देख भी कौन सकता है, इससे तो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो स्मार्ट बोर्ड में बना हुआ है यूट्यूब में, वो क्यों नहीं बच्चे देखेंगे जो ये देखेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ जो बच्चे मुझे जानते हैं, चिल्ड्रन अदर भी देखते होंगे आई डोंट नो, लेकिन आप लोग के लिए हम बनाते हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और देखिए वही मेरा हार्ड वर्क का रिवार्ड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, और अगले दिन हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक को लेके, मास एंड वेट। ठीक है, थैंक यू सो मच।